हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो यार, अभी एक एनिमे चल रहा है। इस एनिमे के बारे में मैंने तुम्हें एक पुराने वीडियो में बताया तो था, पर बहुत ही कम शब्दों में हमने इसकी बात की थी, क्योंकि तब मुझे पता ही नहीं था ये कैसा होने वाला है। और माई एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर भी फैंस इसके लिए एक्साइटेड नहीं थे। लेकिन अब जब ये एनिमे रिलीज हो चुका है तो सब इसकी बातें कर रही हैं। इसको 2024 का अंडररेटेड जेम बोला जा रहा है। इस एनिमे का नेम है माकिने टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। अगर तुम इसे अभी फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता ही होगा ये कितना बढ़िया है। या फिर हो सकता है तुम्हारे लिए उतना भी बढ़िया ना हो जितना लोग इसको बोल रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट एक बात जो इस एनिमे के बारे में अच्छी है वो है ये एनिमे ऑफिशियल हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर तुम्हें मिल जाएगा, और इसका हिंदी डब बहुत बढ़िया है। मैंने इसका एक एपिसोड हिंदी में देखा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो, इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी माकिने की। जिस तरीके से इसका कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत सही है, क्योंकि ज्यादातर हाई स्कूल एनिमे में हमें एमसी या तो इंट्रोवर्ट देखने मिलते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट। लेकिन माकिने अलग है, ना तो वो इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। वो लोगों से बात तो करता है, लेकिन वो दिन भर में स्कूल में सिर्फ 2-3 लोगों से बात कर पाता है। सुबह स्कूल के लिए लेट पहुंचता है, जिससे उसे अपनी सीट पर कोई बैठ ही ना दिखे और उसे उसको हटने के लिए ना बोलना पड़े, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। गर्लफ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे नहीं लगता कोई उसे उतना ही रेस्पेक्ट रिटर्न में दे पाएगा जितना वो सामने वाले को देना चाहता है। तो एक दिन माकिने एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो देख रहा है उसके स्कूल की पॉपुलर लड़की आना यामानी को उसके चाइल्डहुड फ्रेंड एंड क्रश ने फ्रेंड जोन कर दिया है। और इस दिन के बाद उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका है, कई पॉपुलर लड़की उसके सामने रिजेक्ट हो चुकी है और वो सब की सब किसी न किसी तरीके से उस तक पहुंच गई है। तो तुम्हें देखना ये है, अब जब माकिने इन लूजिंग हीरोइंस के लव ड्रामा में पड़ चुका है तो क्या वो इन सबको एक बार फिर से खुश रहना सिखा पाएगा। अब देखो, समर 2024 में कई रोमकॉम एनिमे आए हुए हैं और उनकी स्टोरी इसके स्टोरी के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर लग रही थी, तो ये एनिमे पहले फैंस की नजरों में दबा रह गया था। मैंने तुम्हें अभी अभी इसका प्लॉट बताया और मुझे पता है तुम्हारा भी इसे देखने का कोई ज्यादा मन नहीं कर रहा होगा। तो अब मुद्दा ये है, जब किसी को इसकी फिक्र ही नहीं थी तो ये एनिमे इतना ज्यादा हाइप में क्यों आ गया है? तो देखो, बात ऐसी है, मकोटो सिंकाई ने एक इवेंट के दौरान इस एनिमे की तारीफ कर दी है, बस तभी से ये एनिमे चर्चा में आ गया है। उनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस ने इसे देखना स्टार्ट किया है और अब उन्हें भी ये पसंद आने लगा है। अगर तुम ये सोच रहे हो ये आदमी है कौन, इसके कहने से इतना इफेक्ट कैसे पड़ गया, तो ये वही इंसान है जिसने 5 cm/s वेदरिंग विद यू, सुजुमे, गार्डन ऑफ वर्ड्स एंड योर नेम जैसे मूवीज को तुम्हारे सामने रखा है। डायरेक्टर साहब है ये उन सब मूवीज के। तो देखो, बात ऐसी थी, मकोटो सिंकाई अभी एक इवेंट पर थे, वेदरिंग विद यू का 5th एनिवर्सरी स्क्रीनिंग इवेंट चल रहा था। वही उनसे पूछा गया, सर अभी एक नया एनिमे आया है और उसे आपके काम से बहुत कंपेयर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मकोटो सिंकाई ने इस पर कहा, हाँ मैंने भी ये चीज सोशल मीडिया पर अभी देखी थी और उसे देखने के बाद मैंने माकिने को देखना स्टार्ट किया है और मैं तो अब इस एनिमे का फैन बन चुका हूँ। बस यही वो स्टेटमेंट था जिसने इस एनिमे को अंडररेटेड से ओवररेटेड बना दिया। मैंने भी यही देखकर इसे देखना स्टार्ट किया। अब अगर इसे देखने के बाद मैं अपनी बात करूं, मुझे ये एनिमे कैसा लगा और तुम्हें बताऊं क्या ये एनिमे सच में योर नेम के जैसा है? तो देखो, सबसे पहली बात तो इन मूवीज से इसका कंपैरिजन इसकी स्टोरी की वजह से नहीं, इसके प्रेजेंटेशन की वजह से हो रहा है। फिर आगे का मुझे भी पता नहीं है, शायद आगे जाके इसकी स्टोरी काफी दमदार निकल जाए। फिलहाल इस एनिमे से जो वाइब हमें मिलती है वो हमें इन मूवीज की याद दिलाती है। सेम उन मूवीज के जैसे ही इसके अंदर भी तुम्हें सैचुरेटेड कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कैरेक्टर डिजाइन भी काफी सिमिलर लगते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें और एनिमे एंजॉय करते नहीं दिखते, ये एनिमे उन्हें वाइब्रेंट कलर्स के साथ दिखाता है। और यही वो चीज है जो इसे देखते वक्त मुझे योर नेम की याद दिला रही थी। तो कुल मिला के बात ये है, सिनेमैटिक फील काफी सिमिलर है इसकी उन मूवीज से। जैसे तुम्हें योर नेम का एक सीन याद होगा जहाँ मिसुआ मिरर के सामने खड़ी होती है और उसके आंखों से अचानक से आंसू आने लग जाते हैं पर उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बदलता और इसी वजह से वो सीन हमें इतना पावरफुल फील होता है। तो ऐसा ही सेम सीन हमें इस एनिमे के अंदर भी देखने को मिल जाता है और यही वो सीन था जिसको देखने के बाद मैंने तो कन्फर्म कर लिया था, इस एनिमे को मैं पूरा देखूंगा, ये कुछ अलग है। तो यार, अब मैं इसको और कैसे तुम्हें बताऊं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फीलिंग समझो तुम बस। तो अब कुल मिला के इस एनिमे की बात करें तो जो इस एनिमे का नेम है टू मैनी लूजिंग हीरोइंस, ये एनिमे अपने नेम के ऊपर डिलीवर कर रहा है। 2 एपिसोड अभी तक मैंने इसके देखे हैं और इन दोनों ही एपिसोड में मुझे हर वो चीज मिली जो मैं एक हाई स्कूल एनिमे से एक्सपेक्ट करता हूँ। ह्यूमर भी काफी अच्छा ऐड किया है, कई बार हंसी आई मुझे, और अभी तक आना यानामी वो कैरेक्टर है जो मुझे सबसे बढ़िया लग रही है। तुम ये एनिमे देख रहे हो तो बताना जरूर तुम्हारा क्या विचार है इस पे। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।